वेलकम बैक स्टूडेंट। तो अब हम आते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी पे। तो ये भी अपने बुक में लिखेगा। कस्तूरी, पहला है कस्तूरी। कस्तूरी का अर्थ है मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंध द्रव्य। सुगंधित द्रव्य मतलब एक वो आता है, सुगंधित कोई वस्तु निकलती है जहाँ से उनकी मृग के नाभि में से निकलती है ना, एक ऐसा द्रव्य जहाँ से वो उनके सुगंध निकलती है और मृग को भी पता नहीं चलता है कि वो सुगंध कहाँ से निकलती है, उसके अंदर से निकलती है कहीं और से निकलती है। तो दूसरा है कुंडली। कुंडली का मतलब है नाभि, इसे कहते हैं नाभि, है ना, वो जो पेट का जो एक भाग है ना, छेद वाला भाग, उसे नाभि कहते हैं। मृग, मृग का मतलब है हरिण या हिरण, हिरण कहते हैं ना, डियर, है ना। नेक्स्ट है कृतार्थ। कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ है जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, यानी क्या कहते हैं, कृतार्थ यानी संतुष्ट या मुक्त, कहते हैं मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, संतुष्ट हो गया, कार्य सिद्ध हुआ मेरा, है ना। और नेक्स्ट है एहरण। एहरण का मतलब है लोहार का एक औजार जिसे निहाई भी कहते हैं, लोहार का एक औजार, जैसे पहले भी आपको इस विषय में कहा था कि एहरण, एहरण है ना, वहाँ से सुई भी बनती है और उससे एरोप्लेन या हवाई जहाज भी बनता है ना, उसका एक भाग सुई का भी होता है और एक भाग अपने एरोप्लेन का। तो चुपड़ी, चुपड़ी का मतलब चुपड़ी हुई, है ना, अपने घी में चुपड़ी, रोटी को घी में चुपड़ के खाते तो उसे चुपड़ी कहते हैं। सार यानी मुख्य या सत, है ना, सार का मतलब है मुख्य। दोन ना, दोन का मतलब है नम्र या विनीत, नम्र या विनीत, है ना, दोन। दया दीन, सॉरी दीन है ये, दीन, ओके, बिल्कुल सही है, दया दीन उपकार, उसमें दीन का एक शब्द है, तो दीन का अर्थ है नम्र और विनीत। और चौथा है कांकर। कांकर का मतलब है कंकड़, है ना, पाथर का मतलब है पत्थर और सुमिरन का मतलब है स्मरण। ठीक है, तो ये था शब्दार्थ और टिप्पणी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पद आधारित। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उसमें पहला प्रश्न है कबीर की कविता अनुभव का, कबीर की कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। अथाह पेज नंबर 122 के जो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो पहला पैराग्राफ का जो चौथा लाइन, सॉरी पांचवा लाइन, पांचवी लाइन में देखिए अथाह ज्ञान भंडार है, आपको दिखाई देगा अथाह, अथाह आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, दूसरा
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। वाणी का संग्रह बीजक, उसी पैराग्राफ में दिया है बीजक, इंट्रोडक्शन में दिया है बीजक। बीजक आपको अंडरलाइन करना है। तीसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन बन माही। तो उसमें कस्तूरी वाला जो लाइन है उसमें कस्तूरी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो सबसे पहला लाइन है इस दोहे का, कस्तूरी कुंडली बहे बसे मृग ढूंढे मन माही, तो उसमें कस्तूरी आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट लाइन है, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए ना, कृतार्थ उसमें आपको अंडरलाइन करना है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो उसमें सुमिरन आपको अंडरलाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब एक एक वाक्य में उत्तर देना है ना। तो सबसे पहले का पहला प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, तो उत्तर में आप लिखिए कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में है, मृग की अपनी नाभि में है। सेकंड, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, उत्तर लिखिए मृग कस्तूरी को धन वन में इधर उधर ढूंढता है, मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, उत्तर लिखिए हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवसागर तरने के लिए कौन कौन से पांच तत्व है, भवसागर तरने के लिए पांच तत्व है, साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। फिर से कह रहा हूँ, क्या होनी चाहिए, साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। प्रश्न पांच, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है, संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे कीमती धन आपका संतोष है ना, ये इसका उत्तर है। चलो अगला प्रश्न, जो दो तीन वाक्यों में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा, उत्तर लिखिए संत का हृदय पवित्र होता है, संत का हृदय पवित्र होता है, संत भगवान का रूप है, संत भगवान का रूप है। नेक्स्ट, कौमा, उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। नहीं, रूप है के बाद आपको लगना है पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन, भगवान का रूप है के बाद आपको पूर्ण विराम करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है रूप है के बाद, उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। कृतार्थ आपके इसमें क्वेश्चन में दिया है और आपके उसमें भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं, उत्तर लिखिए। अच्छा, एक और बार प्रश्न लिखिए, कबीर भगवान के स्मरण का क्या लाभ, क्या महत्व बताते हैं, उत्तर है मनुष्य का यह स्वभाव है कि, मनुष्य का यह स्वभाव है कि
का समय आने पर वह भगवान को याद करता है, दुख का समय आने पर वह भगवान को याद करता है, और सुख के दिनों में वह भगवान को भूल जाता है, और सुख के दिनों वह भगवान को भूल जाता है। नेक्स्ट लाइन, कबीर कहते हैं कि यदि सुख में भी भगवान को न भूले, कि यदि सुख में भी भगवान को न भूले तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा अब जो अगला प्रश्न आएगा वो पांच छह वाक्यों में लिखना है, ठीक है। पांच छह वाक्यों के प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है। कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है। उत्तर लिखिए, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, कौमा, पर मृग को उसका पता नहीं होता, और वह उसे वन में वन मतलब जंगल, वन में यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है नेक्स्ट लाइन, कबीर कहते हैं कि संसार के लोगों की यही दशा है, कौमा, परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है, कौमा, पर वे अज्ञान के कारण इस सत्य को जान नहीं पाते, वे उसे पाने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं नेक्स्ट लाइन, मनुष्य को अपने हृदय में ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए। अपने हृदय में ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर सज्जन और दूजन में क्या अंतर बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कीजिएगा, ठीक है। कबीर कहते हैं कि सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कंटिन्यू रखता है ना आजीवन। नेक्स्ट लाइन, वे रूठते हैं तो उन्हें बार बार मनाकर संबंध को जोड़ रखता है, नेक्स्ट लाइन, दुर्जन का व्यवहार उससे उल्टा है। नेक्स्ट लाइन, जैसे दरार पड़े मटके को जरा सा धक्का मारने पर वह फूट जाता है
वह फूट जाता है, उसी तरह फूट जाता है कौमा, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूट रहे संबंध को, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूट रहे संबंध को पूरी तरह तोड़ने में संकोच नहीं करता, पूरी तरह तोड़ने में संकोच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई? कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है? उत्तर लिखिए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को लालच के जाल में नहीं फंसना चाहिए, फंसना में ऊपर बिंदु आएगा। नेक्स्ट लाइन, जो कुछ भगवान ने उसे दिया है उसमें संतोष मानना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, मनुष्य को गायें कौमा हाथी घोड़े तथा खान से मिलने वाले बहुमूल्य रत्न मिल जाएं, फिर भी धन संपत्ति के भोग से वह मुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइन, जब तक यह लोभ है कौमा, तब तक उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। जब तक वह भोग है सॉरी भोग नहीं लोभ सॉरी जब तक यह लोभ है भोग नहीं ना लोभ लोभ लालच जब तक यह लोभ है तब तक उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। नेक्स्ट लाइन, यदि मनुष्य जो कुछ उसके पास है कौमा उसी में संतोष माने तो सभी तरह के धन उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगेंगे। नेक्स्ट लाइन, उसे अनुभव होगा कि संतोष से बड़ा कोई धन
नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। अब हम व्याकरण आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, अच्छा विरोधी शब्द लिखते हैं सबसे पहले व्याकरण में, विरोधी। पहला है नम्र, नम्र विरोधी में पहला है नम्र, इसका विरोधी क्या है उद्देश। दूसरा है स्मरण, स्मरण का है विस्मरण, या अपने आपने स्मरण का इसमें यूज करें विस्मरण। सज्जन, सज्जन का क्या है दुर्जन। चौथा है प्रामाणिक, प्रामाणिक का क्या है अप्रामाणिक। दूसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची में अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला है मृग, मृग का आपको दिया हुआ है हरिण या हिरण, है ना, दोनों में से कोई भी एक आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दूसरा है सार मतलब तत्व, मुख्य या सत, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है दीन, दीन भी उसी में दिया हुआ है नम्र या विनित, विनित। अच्छा कुछ लोगों ने इसमें दीन का मतलब दुख दिया है, तो यहां पे जो हमने दीन यूज किया है दीन शब्द वो किस पे किया है इसमें जो दीन है वैसे नम्रता और परोपकार के आधार पर दिया है, ठीक है, परंतु दीन का वास्तविक अर्थ नम्र या विनीत है, तो दूसरी तरफ है गरीब, ठीक है, तो आप गरीब लिख दीजिए, ठीक है, दीन का मतलब है गरीब। चौथा है कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार का मतलब है कुंभकार। कुंभकार नेक्स्ट गज का मतलब है हाथी, गज। गजानन कहते हैं ना गज हाथी। नेक्स्ट वाजी यानी घोड़ा, ओके।
और तीसरा प्रश्न है यानी निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है मृग नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ जो आपके शब्दार्थ में दिए हुए, क्या है वो? कस्तूरी। मृग नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ कस्तूरी। दूसरा, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वह है कृतार्थ। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वह है कृतार्थ, उसमें भी दिया हुआ है। आत्माओं में श्रेष्ठ, आत्माओं में श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। चौथा, मुस्लिमों का इबादत करने का स्थान मस्जिद। पहले भी कह चुका हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि इबादत करने का स्थान क्या होता है, मस्जिद। मुसलमान का ये कह सकते हो, इस्लाम का। तो निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखे। संधि विग्रह मतलब संधि छोड़ने को संधि विग्रह कहते हैं, ठीक है? तो अभ्युदय सबसे पहला है। अभ्युदय तो संधि विग्रह करना है, संधि विग्रह। तो अभ्युदय का क्या आएगा? अभी प्लस उदय, बाह्य डंबर, बाह्य प्लस आडंबर, कृतार्थ। कृतार्थ है कृत प्लस अर्थ, और भावार्थ का है भाव प्लस अर्थ। अब हम उपसर्ग करते हैं, ठीक है? तो उपसर्ग में पहला है निर्गुण। निर्गुण में उपसर्ग क्या है, मतलब जो पहले का जो है, क्या है? नीर, ठीक है? संगति, तो संगति का क्या होता है? सम। भले हम बोलने में सम अम यूज करते हैं, लेकिन वो सम आता है, ठीक है? व्यवहार का व्यवहार का वी प्लस आहार। अवहार वी, अभ्युदय मतलब अभी प्लस उदय, हालांकि अभी लिखने ओनली अभ्युदय जैसे उसमें दिया हुआ। उदंड, उदंड का क्या है? उद। और दुर्जन का आता है दुहु, दुहुजन, दुहु प्लस जंतु से दुर्जन कहा गया। अबे प्रत्यय मतलब बाघ वाला, ओके स्टूडेंट? तो अब हम प्रत्यय करते हैं, ठीक है? प्रत्यय पहचान कर लिखना है। तो महत्व में सेकेंड हाफ क्या है?
महात्व महात्व कुम्हारी कुम्हार का कुम्हार और ई साक्षात साक्षात का तो इसमें क्या था कार लुहारी जैसे कुम्हारी ने वैसे लुहारी तो इसमें भी ई आएगा अंत में ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब हमारा ये कोर्स ऑलमोस्ट पूरा हो गया, बस एक चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 20 बाकी है वो हम बाद में क्योंकि वो चैप्टर नंबर 20 है जो 8 स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए मैंने उसको अंत में रखा है ना। तो क्या जो नए हैं जो नवीन है आपके लिए उनको पहले शुरू किया इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 20 हम बाद में करेंगे ठीक है। ओके थैंक यू। और इस चैप्टर का रिवाइज अवश्य कीजिएगा ठीक है। धन्यवाद।